जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ के तीसरे भाग में आगे बढ़ते हुए अब मैं आगे की चर्चा करूंगी। महारानी दिल्ली आने वाली थी और वो भी इंग्लैंड की महारानी, और इंग्लैंड के राजा की नाक ना हो ये बहुत बड़ी सोच थी। देश की भलाई चाहने वालों ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी जो उपस्थित थे उनमें ये सहमति बनी कि मूर्ति के नाक लगा दी जाए। यदि नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी कट जाएगी। बहुत उच्च स्तरीय सलाह मशवरे हुए और एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन पहले पता तो चले कि मूर्ति कहाँ बनी थी और इस मूर्ति में लगा जो पत्थर है वो किस प्रकार का है, मूर्ति कब बनी थी, इसके लिए पत्थर कहाँ से ला गया था। पुरातत्व विभाग से जब जानकारी मांगी गई तो वहाँ से कुछ भी पता नहीं चला। फाइलें सब चट कर गई थी, अर्थात कुछ भी सुरक्षित नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों में गया, उसने हर तरफ खोजा, लेकिन वैसी जो है मूर्ति जैसी जो है नाक लगाने के लिए उसको पत्थर नहीं मिला। फिर उसने हुकामों अर्थात प्रशासक वर्ग के लोगों से आज्ञा मांगी और ये तय किया कि हमारे देश में जितनी मूर्तियां हैं वीर सेनानियों की, उन्हीं मूर्ति में से जिसकी नाक इसके ऊपर फिट बैठ जाए वही लगा दी जाएगी। मूर्तिकार ने सभी महान देशभक्तों गांधी जी से लेकर सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार पटेल, महादेव देसाई आदि सभी की नाक ढूंढ ली और सब की नाक बड़ी निकली। अर्थात यहाँ लेखक व्यंग करते हैं कि सब की नाक बड़ी निकली, क्योंकि वो वीर थे, वो देशभक्त थे, उन्होंने अपने देश के लिए जो किया था उसकी बराबरी कभी भी जॉर्ज पंचम नहीं कर सकता। एक ऐसा सम्राट जिसने दूसरे देशों के लोग का शोषण किया, लोगों को तकलीफ दी, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने जो शहीद बच्चों की मूर्ति थी, मूर्तिकार वहाँ भी गया और वहाँ जाने पर भी बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात उनकी प्रतिष्ठा भी जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। फिर मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि इतनी तो जनता है 40 करोड़, किसी जीवित व्यक्ति ही नाक काट के उस पर सेट कर देते हैं, और हाँ ना करते करते इस बात की सहमति बन गई। मूर्ति के चारों तरफ के तालाब को सुखाया गया और बाद में मूर्ति के एक जिंदा नाक लगा दी गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली नाक जो थी वो उसके आसपास मौसम जो है वो स्निग्ध बना रहे और नाक सूखने ना पाए। और उस दिन अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई है जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा। ऐसा लगता था जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटाने को क्यों तैयार रहते हैं। एक बड़ा प्रश्न है जो लेखक अंत में हमारे सामने छोड़ते हैं कि आखिर क्यों हम क्यों ऐसा करते हैं कि झूठी इज्जत, झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वास्तविक प्रतिष्ठा को गंवाते रहते हैं। लेखक को लगता है कि आज दिल्ली में सब कुछ है, देश की स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली में अब सब कुछ है, केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा की प्रतीक उनकी ऊंची नाक यहाँ नहीं है। अंग्रेजी राज में उनकी यहाँ तूती बोलती थी, उन्हीं का आदेश चलता था, पर अब इंडिया गेट के निकट लगी उसकी मूर्ति की नाक नहीं बची थी। और ये बात लेखक को अच्छी लगती है, लेकिन जब मूर्तिकार जिंदा नाक लगाने की पेशकश करता है और सभी मान जाते हैं तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी या हमारे स्वाभिमान की नाक बड़ी। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक जो है ये सारा पाठ नाक पर ही केंद्रित है, पाठ का आरंभ और अंत इसी पर होता है, क्योंकि ये मान सम्मान का द्योतक है। तो इस पाठ को आपने पढ़ा, इसके प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, अगर दिक्कत हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको उत्तर से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।